नमस्कार दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है ममिता सानी कुकिंग चैनल में। तो आज फिर से हम नए रेसिपी के साथ आए हुए हैं, वो भी कच्चे आम की रेसिपी। तो आप लोग पूरा वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो कहीं भी बीच में छोड़ के मत जाइएगा। जैसे मेरे वीडियो आप लोग की अच्छी लगती होंगी तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर करिएगा। अपना प्यारा प्यारा हाथों से हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी आप लोग के कैसी लगती है। तो तीन आम ले लिए हैं कच्चे आम, में देखिए पूरा फ्रेश है, एकदम से ना ताज़ा तो खिलाए हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, पूरा छिलका इसको निकालेंगे, पूरा छिलका इसको छील कर हम निकालते हैं चाकू की हेल्प से। तो जी बता देते हैं हम आज इसको क्या बनाने वाले हैं। तो आज जो मुरावा होता है, लच्छा मुरावा, बहुत चटकार सा, एकदम से ना खट्टी और मीठी, एकदम बेहतरीन, एक बार बनाइए सालों साल खाइए। तो बढ़िया से देखिए कितना ताज़ा आम है, इसलिए छिलका टूट टूट जा रहा है। थोड़ा ही निकाल रहे हैं, ज़्यादा इसको नहीं हम काट रहे हैं, ऊपर के पार्ट ज़्यादा नहीं हटा रहे हैं, बहुत बेहतरीन लगता है। तो अच्छे से ऐसा ही सभी को छील लेते हैं। ये देखिए कितना सुंदर छील लिए, बहुत बेहतरीन। ऐसा मन कर रहा है कि ऐसा ही इसको फाड़ कर खा जाऊँ। एक जुआम है, बहुत टेस्टी लगता है, बहुत बेहतरीन लगता है। तो ऐसा ही सभी को छील लेते हैं। तो ये लीजिए छील लिए, देखिए कितना बढ़िया इसको छिलका निकाल लिए है। तो लग रहा है ऐसा ही मन कर रहा है इसको कि नमक और मिर्ची लगाए खा जाए। तो आइए इसको कद्दूकस करते हैं हम। तब यहाँ पर ले रहे हैं छोटा वाला, जो बारीक वाला ग्रेटर होता है कद्दूकस करने वाला, वो। तब एक आम उठाते हैं हम, ऐसा ऐसा नहीं काटेंगे पूरा इसको, जैसा ये रहता है पार्ट ऐसा नहीं काटना है, नहीं तो ये क्या होता है इसमें रेशा होता है वो ऐसा बढ़िया नहीं करता है। तो ऐसा पूरा ऐसा नहीं काटेंगे इसको, घुमाएंगे ऐसा काटेंगे। ये देखिए दिखा देते हैं, ये देखिए कितना अच्छा से निकलता जा रहा है लच्छा। ये देखिए दिख रहे हैं कितना अच्छा से निकल रहा है, कितना बढ़िया लंबा लंबा एकदम से ना पतला पतला निकल रहा है। तो पूरा ऐसा ही इसको हम कद्दूकस कर लेते हैं। तो ये लीजिए पूरा कद्दूकस कर लिए, अब चलते हैं इसको हम बनाने। अब गैस पर चढ़ा लिए कढ़ाई, कढ़ाई में हम सारा आम डाल लेते हैं, जितना आम के लच्छा है सब इसमें डाल लिए। अब इसमें डालते हैं और सामान, गैस को धरा लेते हैं। अब बस लो फ्लेम रखना है इसको। इसमें अब डाल लेते हैं चीनी, 23 कप से लगभग पूरा 1.5 कप जुआम है कद्दूकस किया हुआ ये है, अब पूरा 1 कप यहाँ पर चीनी डाल रहे हैं। तो यहीं पर पूरा चीनी डाल लेते हैं। अब लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको चलाते हुए पकाएंगे। जो चीनी है इसमें पानी नहीं डालना है दोस्तों, चीनी खुद पर पानी छोड़ देती है, बस इसको फ्लेम को लो रखना है। ये देखिए जैसा जैसा चीनी घुल रही है वैसा वैसा ये खुद पर खुद पानी छोड़ते जा रही है। ये देखिए इसका कलर कैसा हो गया, बस ऐसा ही इसको पकाएंगे। पूरा इसको कितना पकाना है वो भी बता देते हैं, 10 से 12 मिनट बस इसको लगेगा पकाने में। ये देखिए पूरा पानी छोड़ दिए, ये देखिए अब इसी में पकेगा चीनी में, तभी तो पूरा
सालों साल ये खट्टी मीठी मुरब्बा चलेगा। अच्छे से इसको पकाते हैं। यहाँ पर ले रहे हैं काला नमक, खट्टी मीठी चटपटी सा बनाने के लिए पूरा 3 पिंच ले रहे हैं नमक, तो यहीं पर डाल लेते हैं इसको भी। इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, इसमें ज़रूर डालिएगा, बनाइएगा आप लोग। तो बढ़िया से लगातार इसको चलाते हुए अच्छे से पका लेते हैं। ये देखिए इसका कलर जो है पूरा कितना बढ़िया चेंज हो गया, दिख रहे होंगे, पास से दिखा देते हैं और आपको हम। ये देखिए बहुत बेहतरीन लगता है दोस्तों ये लच्छा मुरब्बा। एक बार बनाइए और सालों साल खाइए इसको, ये ख़राब नहीं होता है। आप इसको कांच के जार में बनाकर भर के रख दीजिए, जब मन करे तब निकाल कर खाइए आप लोग, बहुत टेस्टी लगता है। पूरा इस चीनी में के पानी जो लच्छा मुरब्बा में के पानी है पूरा सूख जाएगा, तब इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए थोड़ा थोड़ा बच गया है इसमें पानी, तो पूरा इसको सुखा लेना है, ऐसा रखना नहीं है इसमें पानी। ये देखिए ज़्यादा समय नहीं लगता है दोस्तों इसको बनाने में, बहुत झटपट बन करे तैयार हो जाता है। अब इसको रोटी में लपेट के खाइए चाहे पराठा में लपेट के खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। इससे भी पहले वीडियो डाल चुके हैं कच्चे आम के जैम के वीडियो, वो भी बहुत टेस्टी बना था, वो भी ट्राई करिएगा, मेरा चैनल में पड़ी हुई है, वहाँ पर जाकर आप देख लेना। तो ये लीजिए 10 से 12 मिनट बाद, ये देखिए कितना बढ़िया ये बनकर तैयार हुए। देखिए नीचे से पूरा थोड़ा भी पानी नहीं दिख रहा है, ये पूरा चीनी के जो है पाग है, तो पूरा एकदम से ना बेहतरीन बनकर लच्छा मुरब्बा बनकर एकदम तैयार हुआ है। तब इसको हम उतारते हैं, गैस को कर लेते हैं बंद, इसको नीचे उतार लेते हैं। इसका कलर इतना बढ़िया आया है दोस्तों, और एकदम नेचुरल कलर है पूरा, इसमें कलर वगैरह कुछ नहीं डाले हैं, बस 2 चीज़ डालकर बनाए हैं, एक तो डाले हैं चीनी और दूसरा थोड़ा सा काला नमक डाले हैं। तो ये लीजिए दोस्तों पूरा हमारा मुरब्बा एकदम से ना लच्छा मुरब्बा बनकर है तैयार। ये देखिए दिख रहे हैं कितना अच्छा दिख रहा है, ये देखिए दिख रहा है कितना बढ़िया टेस्टी एकदम से ना, कितना बेहतरीन। ये लीजिए दिख रहे हैं कितना बढ़िया एकदम से ना, जहाँ पर रखते हैं वहीं पर पूरा चिपक जाता है, तो आपको हम पास से दिखा देते हैं। और तो ये लीजिए पास से दिखा रहे हैं, दिख रहे हैं कितना अच्छा कितना बढ़िया दिख रहा है, बहुत टेस्टी लगता है दोस्तों लच्छा मुरब्बा। ज़रूर एक बार आप लोग बनाइएगा, बनाकर ज़रूर खाइएगा, बच्चों लोग के तो देंगे बनाकर, तो बच्चों लोग बहुत खुश हो जाएगा लच्छा मुरब्बा खाकर एकदम से ना खट्टी मीठी चटपटी से। तो अगर वीडियो लच्छा मुरब्बा के आप लोग के अच्छी लगती होंगी तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपनी दोस्तों के साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर करिएगा, अपना प्यारा प्यारा हाथों से हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि लच्छा मुरब्बा की रेसिपी आप लोग के कैसी लगी। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद जय भारत। कच्चे आम के मुरब्बा एक बार बनाइए, सालों साल खाइए, बहुत बेहतरीन लगता है मुरब्बा, ये देखिए कितना बेहतरीन है। तो आइए इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं।